प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश ने विकास के नित नए प्रतिमान गढ़े हैं। अभूतपूर्व गति से विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण व मजबूत होती कनेक्टिविटी, ये नए भारत की नई पहचान है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के जीवन में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी व्यापार कारोबार में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोजगार के लाखों नए अवसरों का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेज विकास। तेजी से विकसित होते भारत में जहां एक ओर मेट्रो शहरी कनेक्टिविटी को गति प्रदान कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी वंदे भारत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लंबी यात्राओं को तेज व आरामदायक बना रही है। इसी श्रृंखला में नजदीकी शहरों के बीच तेज व मॉडर्न रीजनल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज एक नए युग की शुरुआत हो रही है। देश को पहली नमो भारत ट्रेन मिल रही है। नमो भारत ट्रेन के पहले कॉरिडोर का निर्माण कार्य दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच 82 किलोमीटर के स्ट्रेच पर तेजी से चल रहा है। ये साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ जैसे शहरों को तीव्र गति से दिल्ली से जोड़ेगा। इसी नेटवर्क पर 13 स्टेशनों के साथ मेरठ में मेट्रो की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड के साथ ये दिल्ली मेरठ के बीच यात्रा में लगने वाले समय को 3 घंटे से घटाकर 1 घंटे से भी कम कर देगा। इस परियोजना की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2019 को रखी गई। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अनुरूप इन नमो भारत ट्रेनों को रेलवे स्टेशन, दिल्ली मेट्रो एवं ISBT जैसे अन्य यातायात प्रणालियों से भी जोड़। इस पूरे कॉरिडोर को जून 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। केंद्र एवं उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार के तहत इस कॉरिडोर का 17 किलोमीटर लंबा प्राथमिक खंड साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच निर्धारित समय से पहले बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। आइए मिलकर साक्षी बने इस ऐतिहासिक क्षण।